लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन ब्लैक मैजिक वाले अंडे के अंदर कैद हो जाता है और उसी अंडे के अंदर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसी हुई होती है। तभी फ्रैंकलिन को एक ख्याल आता है, अगर वो एक ब्लैक मैजिक के अंडे के अंदर कैद है तो ऐसे ही अलग अलग ब्लैक मैजिक के अंडे एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते है। ये फ्रैंकलिन के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इसीलिए वो मैंशन के ऊपर जाके एवेंजर्स को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है। वहां पे जाने के बाद एवेंजर्स उस ब्लैक मैजिक वाले अंडे से बाहर निकलने के लिए एक खतरनाक सी मशीन बना रहे होते, लेकिन उसके लिए एनर्जी बहुत कम पड़ रही थी और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्रैंकलिन अपनी और ब्लू टेल की पावर को मिक्स करने का फैसला करता है, जिससे कि वो खत्म भी हो सकता है लेकिन फिर भी वो ये करता है और सारे एवेंजर्स को वो ब्लैक मैजिक अंडे से बाहर निकलता है। बाहर निकालने के बाद फ्रैंकलिन देखता है वो सोलर लैंटर्न में अपग्रेड हो चुका है। तभी उसके सामने वो शख्स आ जाता है जिसने ब्लैक मैजिक के अंडे को बनाया होता है। वो अपने आप को ब्लैक कोबरा कहता है। दोनों के बीच में फाइट होने वाली होती है, लेकिन फ्रैंकलिन ये भूलता है कि उसकी पावर अब डाउनग्रेड हो चुकी है, वो अब लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं, एक एक करके वो ब्लैक कोबरा को यानी ब्लैक मैजिक के अंडे को बनाने वाले को कैद कर देते हैं और अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो, हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले। और वीडियोस के अपडेट के लिए और अलग अलग वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हम लोग अर्थ के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम लोगों को फटाफट यहाँ पे ना एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपना प्लेन लैंड करवा सकेंगे। टोनी तुम्हें कोई आइडिया है हम लोग कहाँ पे लैंड करवा सकते हैं? अगर हम लोगों ने लोकल एरियाज में अपने प्लेन्स को लैंड करवा दिया तो यार जो नॉर्मल जनता है उसके अंदर भीड़ मच जाएगी। फ्रैंकलिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बढ़िया जगह के ऊपर लेके जा रहा हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर मैंने परमिशन ले ली है। ओके ये बढ़िया हो गया। गाइस अगर हम लोग है ना लॉस एंजेलिस के बीचों बीच अगर लैंड करते तो यार बहुत दिक्कत हो जाती, पैनिक सिचुएशन हो सकती थी, सारे के सारे लोग डर जाते। तो हम लोगों ने ये वाली जगह डिसाइड की है लैंड करने के लिए और डन गाइस हम लोग फाइनली लैंड कर चुके हैं। टोनी स्टार्क यहाँ से आगे हम लोग ये ब्लैक मैजिक वाले इंसान को कहाँ पे लेके जाएंगे? मेरे हिसाब से ये ब्लैक कोबरा को हमें सेक्टर 257 लेके जाना ही होगा। क्या कहा, सेक्टर 257? हाँ फ्रैंकलिन पहले नीचे उतरो, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ओके टोनी स्टार्क हम लोग नीचे उतर गए, आ जाओ सारे एवेंजर्स। नहीं हम दोनों को बात करनी है। क्या कहा, हम दोनों को? हाँ फ्रैंकलिन हम दोनों को बात करनी है, ये सबसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसी कौन सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है टोनी स्टार्क जो कि तुम एवेंजर्स तक को नहीं बता पा रही हो और तुम मुझे बता रहे हो? फ्रैंकलिन मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में कोई तो धोखेबाज है। क्या बोलना चाहते हो, मतलब? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे ये विलन्स कैसे आ रहे हैं। इसका मतलब विलन्स को कोई तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम लोग कहाँ पे है, इसका मतलब हम में से कोई गद्दार है। क्या बोल रहे हो टोनी स्टार्क, मतलब एवेंजर में से? सही कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है फ्रैंकलिन, क्योंकि तुमने हमें बचाया है। ओके तो तुम्हारा क्या इरादा है? गाइस ये गुट्टी तो बहुत ही खतरनाक तरीके से उलझ गई है, यहाँ पे एवेंजर्स के बीच में एक गद्दार छुपा हुआ है। कौन हो सकता है टोनी स्टार्क जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन अनंत ब्रह्मांड से आया हुआ इन्फोसिस अल्ट्रॉन और उसके दुश्मनों तक पहुंचा रहा है? वही तो मुझे पता लगाना है फ्रैंकलिन, अगर एवेंजर में से कोई गद्दार नहीं हुआ तो ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बस हम दोनों के बीच में रहेगी जिससे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर फिर भी विलन तुम्हें पकड़ लेते हैं इसका मतलब गद्दार तुम हो फ्रैंकलिन। अरे ये क्या बोल रहे हो टोनी स्टार्क, गाइस ये क्या पागल वागल हो गया है, तुम ही तो नहीं हो गद्दार। फ्रैंकलिन बुरा मत मानना लेकिन शक करना मेरा काम है। वो तो बराबर है यार, मैं भी तो गद्दार हो सकता हूँ, सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन गद्दार है, कौन विलन्स को बता रहा है? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए तुम्हें और इस स्पेसशिप को यानी एवेंजर्स को अलग अलग कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ जाऊंगा। अगर ब्लैक कोबरा को बचाने के लिए उसकी सेना आई तो समझ लेना कि तुम ही गद्दार हो फ्रैंकलिन, अगर नहीं आई तो समझ लेना हम में से कोई गद्दार है, या मैं या एवेंजर्स। अरे लेकिन तो करना क्या है, आगे का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कैसे लेके जाना है उसको सेक्टर 257 के अंदर? सिंपल है, अब यहीं पे खड़े रहो, विलन के साथ एक गाड़ी आएगी उसमें बैठ के जाना, आगे का वो देख लेगा। ऐसी बात है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, तुम्हें भी नहीं पता। गाइस ये तो गड़बड़ हो गई, हम में से ही कोई गद्दार है, ये टोनी स्टार्क तो नहीं है ना? फ्रैंकलिन काम डाउन, मैं नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर शक मत करना क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सोलर लैंटर्न बना हुआ हूँ, और अगर एवेंजर्स में से कोई गद्दार निकला
मिला। तो गाइस आप लोग बताओ क्या करे उसके साथ, कमेंट के अंदर बताओ। धोनी तो बराबर बोल रहा है, हम लोग जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं ये विलन टपक क्यों रहे, इसका मतलब कोई ना कोई कतार है जो हमारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों के पास पहुंचा रहा है। ओके फ्रैंकलिन, तुम यहीं पे रहो, मैं चला एवेंजर्स को लेके, तब तक तुम ब्लैक कोबरा यानी ब्लैक मैजिक के अंडे वाले को कैद करके रखना। चलो चलता हूँ। ओके टोनी, आराम से जाना। मैंने नीचे उसको गिरा दिया है, अच्छे से पकड़ना उसको क्योंकि वो बहुत शातिर है ब्लैक कोबरा। ओके टोनी स्टार्क, तुम अपना ध्यान रखना। चलो सब लोग चलते हैं, सेक्टर 257 आ रहे हम लोग। तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरीके से नष्ट कर दूंगा, समझ में आ रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है, खेल अभी तो शुरू हुआ है फ्रैंकलिन, हमारे बॉस मुझे छुड़ा लेंगे, समझ में आया? क्योंकि उनका ब्लैक मैजिक का सोर्स मैं अकेला हूँ, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है, मैं नहीं भागूंगा, तुम ही मुझे उनके हवाले करोगे फ्रैंकलिन द सोलर लैंटर्न, मैं यही पे हूँ, चिंता मत करना। गाइस यार ये इतना कॉन्फिडेंस में है, पक्का लगता है विलन्स को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग जो करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे और टोनी स्टार्क को है, एवेंजर्स तक तो नहीं है। अगर गद्दार हुआ मैं हूंगा, नहीं तो टोनी स्टार्क हूंगा, लेकिन मैं तो हूँ ही नहीं, मुझे टोनी स्टार्क के ऊपर बहुत ही शक हो रहा है क्योंकि वही ऐसा कुछ कर रहा है जो कि अजीबोगरीब है, लेकिन एवेंजर्स भी हो सकते हैं क्योंकि एवेंजर्स भी चुपके चुपके बातें सुन रहे थे, क्या पता क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है गाइस, गद्दार कौन होगा? ऊपर से ये गाड़ी भी नहीं आ रही है। ओ ये लो आ गई ये गाड़ी, आ जाओ तुम जल्दी चलो। मैं भागने थोड़ी वाला हूँ, मुझे तुम सौंपोगे। कौन है इसके अंदर? वेट अ सेकंड, इसके अंदर तो कोई नहीं है, गाड़ी अपने आप कैसी आ गई? मिशन कम्प्लीटेड, टास्क ऑफ हो चुका है। ओ अब समझा गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई नो टोनी स्टार्क ऐसे ही कुछ कर सकता है, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये ऑटोमेटिक भी चल सकती है क्योंकि इसके अंदर ऑटो पायलट नाम का एक ऑप्शन होता है जिससे गाइस हम लोग इसको ऑटो तरीके से चला सकते हैं। बेवकूफ, अब तुम मरने वाले हो, तुम मुझे कितना भी सिक्योर कर लो लेकिन मैं यहाँ से भाग के रहूंगा। गाइस इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन चिंता मत करना, यहाँ से आगे एक और सिक्योरिटी है जिसके बारे में टोनी स्टार्क ने मुझे कहा है, ठीक है? क्या बोल रहे हो, और सिक्योरिटी, लेकिन कौन सी? ये देखो ये रही सिक्योरिटी। ओहो, ये क्या ही कर लेंगे? लगता है तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये दुनिया के टॉप सोल्जर्स है, ठीक है? लॉस सैंटोस की सबसे ताकतवर सेना यही खेलाती है, तुम यहीं पे रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। मैं थोड़ी यहाँ से हिलने वाला हूँ, तुम मुझे सिक्योर करने वाले हो। गाइस ये बहुत बोल रहा है। ये क्या, आपको यहाँ से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आगे आगे चलो, हमारे पीछे 200 सैनिक है गाड़ी के अंदर, हम आपके पीछे आएंगे, जैसे कुछ हो फोन बजा देना। ओके सर ठीक है, मतलब उतरने की कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, चलो सब लोग रेडी। हाँ रेडी चलो। तुम्हारे ये प्यादे मुझे नहीं हरा सकते और ना तुम मेरे बॉस को रोक सकते है। ऐसी बात है, वो तो तुम्हें आगे पता चली जाएगा। गाइस ये बहुत खतरनाक आर्मी है और ये हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई 200 सैनिक है, 200, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेवकूफ, जो होगा होके रहेगा, देख लेना। तुम चिंता मत करना, पीछे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, डरने की कोई बात नहीं है। तुम बस देखो। वेट अ सेकंड, ये बारिश, अरे चलो गाइस बारिश तो नॉर्मल है। तुम्हें क्या लगता है बारिश नॉर्मल है? ओ तेरी की गाइस गड़बड़ लगती है, कोई बात नहीं चलो, पीछे ट्रक आ रहे दोनों, निकलते हैं आगे। तुम्हारे पीछे से एक ट्रक गायब। क्या एक ट्रक गायब? शिट सोल्जर, एक ट्रक कहाँ पे चला गया? क्या बोल रहे हो आप, एक ट्रक? अरे पीछे तो कोई ट्रक ही नहीं है। अरे तो तुम कैसे सोल्जर्स हो, सोर से निक गायब हो गए? शीट 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 शीट, आराम से चलो जल्दी जल्दी, हमें सेक्टर 257 निकलना होगा। ओके सर फटाफट चलते हैं, तेजी बढ़ाते हैं। सही कहा राज, अब देखो पीछे देखो, अब क्या हो गया? वेट अ सेकंड, दूसरा ट्रक कहाँ पे गया? शीट शीट, ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? मैंने तो कहा था कि तुम मुझे खुद से ही लौटाओगे। गाइस 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 हम लोग बुरे फंसे, हमें निकलना होगा। शीट 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 शीट, एक काम करता हूँ गाइस, इसको हाईवे से लेके जाता हूँ, अगर मैं ये छोटे छोटे रास्ते से लेके जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तुम कहीं से भी लेके जाओ, लेकिन तुम मुझे अपने आप से मेरे दोस्तों से मिलवाओगे, समझे? पागल हो गए क्या, सोल्जर्स गायब हो गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। 200 सोल्जर्स, अभी मैं टोनी को बात भी नहीं कर सकता क्योंकि ये टॉप
सीक्रेट है। ओह माय गॉड, अब क्या करें? हाईवे। ऑल राइट गाइस, यहाँ से हम लोग हाईवे के नजदीक है, लेकिन यार ये ट्रैफिक, क्या करूँ? वेट, मेरे पास एक आइडिया है। ये वाले रास्ते से जाते, ये वाला रास्ता सीधा हाईवे से जुड़ता है, चलो चलते है। तुम तो अब गए। गाइस ये कोई चाल लगती है, जल्दी हटो। इसको लेके हम लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी, अदरवाइज ये हमारे केस से बाहर निकल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अपनी बूस्ट स्पीड बढ़ा लेता हूं। समझ में नहीं आ रहा अब इसे कैसे बचूं, क्या करूं इस सिचुएशन में। कोई ना कोई गद्दार जरूर है, लेकिन गद्दार कैसे हो सकता है गाइस कोई, क्योंकि मैं तो यहां पे हूं। मैंने तो अभी तक किसी को कॉल भी नहीं किया है, ना किसी को बताया है, ना तो ये विलन ने यानी ब्लैक कोबरा ने किसी को बताया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दुश्मनों को पता चल गया कि हम लोग कहां से जाने वाले। शिट यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब तो तुम देखो क्या होगा। तुम चुप हो जाओ। शिट, ये क्या है? अब चलो मुझे अपने दोस्तों के हवाले करो। कौन है वो गद्दार, समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम बहुत पछताने वाले हो। गाइस ये ब्लैक कोबरा तो अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा है, ये एक ट्रैप था। गाइस वेट अ सेकंड, यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियां मेरे साथ दौड़ रही थी, वो कहाँ पे चली गई? ओह माय गॉड, ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना? मैं नहीं, तुम्हारे सामने जो है वो कर रहा है। गाइस हम लोग बहुत बुरे फंसे। गाइस ये देखो, शिट, ये तो लावा गॉड टाइटन और आइस गॉड टाइटन, और ऊपर से इसके साथ इसका विलन इन्फोसिस अल्ट्रॉन। अब क्या करे, इनके ऊपर चढ़ा दूं गाड़ी? नहीं यार, ये लोग तो बहुत ताकतवर है। कोई बात नहीं, मुझे इन लोगों को देखना पड़ेगा। तुम अंदर ही रहो, भागना मत। नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं बाहर आके खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या करते हो तुम। सी बात है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं? ये तो बहुत सिंपल है, मैं हूँ इन्फोसिस अल्ट्रॉन, अनंत ब्रह्मांड का एक विशाल और खतरनाक रोबोट। हमें पता चला है तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? मतलब तुम कह रहे हो मैं गद्दार हूँ? मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा था। हाँ सही कहा, तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच गया। तुम बहुत बोल रहे हो, अब तुम्हें पता नहीं होगा मैं क्या चीज हूँ। ओके दिखाओ, अल्टीमेट सोलर लाइटेड पावर। अब तुम गए। वेट, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी पावर्स। शिट, ये क्या हो गया? पावर कहाँ पे चली गई? कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करता हूँ। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे? How this possible? कैसे कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मेरी पावर, सोलर लैंडिंग की पावर मैंने अभी हासिल की थी और वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। क्या कर रहे हो तुमने? किया जल्दी बताओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, ये मेरे सामने आ रहा है, मैं तो मरा गाइस, अब पक्का मरा। फ्रैंकलिन तुम्हारा काम तो तमाम हो चुका है। बॉस आप कैसे हो? आपसे मिले हुए बहुत दिन हुआ। क्या कह रहा है ये? किसको बॉस बुला रहा है? मेरे पीछे तो कोई नहीं है, ये तो नहीं है। सही कहा बॉस, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, आप कैसे हो? ये लोग किससे बातें कर रहे हैं गाइस? कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, तुम लोग पागल हो गए? कोई तो नहीं है यहाँ पे। बॉस इसको बताओ। हाँ क्या बताएगा, कहाँ पे है तुम्हारा बॉस? क्या? नहीं, वेट, मैं अपने आप चल रहा हूँ। शिट, ये कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ बॉस कर रहे हैं। क्या कहा? बॉस कर रहे हैं? इसका मतलब लूटेल, तुम ही हो इनके बॉस। शिट, खतर मेरे अंदर था, तुम ही हो वो जो इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मेरी जान खतरे में डाल रहा था, और मल्टीवर्स की फाइट को क्रिएट करने वाला भी ब्लूटेल तुम ही हो। बाहर निकलो मुझसे। तुमने तो मुझे पकड़ लिया फ्रैंकली, अब तुम्हारी पावर मेरी है। ये क्या हो रहा है? नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी पावर देके तुम्हें सोलर लैंटर्न में अपग्रेड करवाया था, क्योंकि मैं बाद में तुम्हारी पावर चेंज सकूं। ये क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मेरी सारी लैंटर्स की पावर इन लोगों ने छीन ली गाइस, यहाँ तक कि मेरी मनोबल की शक्ति यानी ग्रीन लैंटर्न की पावर भी इन लोगों ने छीन ली। अब मुझे इन लोगों ने मामूली इंसान बना दिया। कैसे और क्यों? मल्टीवर्स की फाइट करने का क्या मतलब था? क्यों कर रहे थे तुम ये मल्टीवर्स की लड़ाई? सारे हीरोज को कहाँ पे कैद किया है? क्या मकसद है तुम लोगों का? मौता तो मैं बॉस बताएंगे, वो रहे बॉस। बॉस ने तो हमें बनाया है। हा। तुम सब लोग कैसे हो मेरे बच्चों? तुम्हें बनाया है मैंने, हो
और क्या हाल चाल फ्रैंकलिन? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करना चाहते हो तुम ये सब कुछ साबित करके? हमने मल्टीवर्स की लड़ाई इसलिए रखी थी कि हम उनकी पावर्स छीन सके, लेकिन मुझे अपना शरीर हासिल करना था, उसके लिए पावर चाहिए थी। और तुमने मेरी पावर ले ली, सही समझा? तुमने मेरा इस्तेमाल किया। सही कहा तुम्हारा टोनी स्टार्क, सही कह रहा था। मैं ही वो कत्तार, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने दोस्तों को बता रहा था। अब समझा, और इससे तुम सबसे ताकतवर बनना चाहते हो और ब्रह्मांड का किंग कहना चाहते हो अपने आप को? सही कहा, मैं हूँ अनंत ब्रह्मांड का ब्लू टेल, द न्यू किंग। अभी तक तुम किंग बने नहीं हो, बाकी सारे लोगों की एनर्जी अभी तक वहीं पे है। मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। अपने आप को देखो थोड़ा। मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा, उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी चलेगा। मल्टीवर्स की लड़ाई करके तुमने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किए, दोस्तों के साथ गद्दारी किए ब्लू टेल। मुझे तो लगा था ये बेवकूफ इन्फोसिस अल्ट्रॉन मेन विलन है, लेकिन सबसे बड़ा विलन तो तुम निकले ब्लू टेल, इनके बॉस। अब तुम मरोगे और तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूंगा फ्रैंकलिन, और सबसे ताकतवर सोलार लाइटन। मैं उस पावर को हासिल करके रहूंगा। तुम बहुत बोल रही हो, तुम हमारे साथ चलो। ये ले। नहीं, ये कैसे हो गया? गाइस, हम लोग पूरे फंसे। अब सारे एवेंजर्स को लगेगा मैं गद्दार हूँ। मैं गद्दार नहीं हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने कहा था ना, तुम ही मुझे अपने दोस्तों के साथ भेजोगे। बॉस क्या करे? फ्रैंकलिन को लेके अनंत ब्रह्मांड आ जाओ। ओके बॉस, इसको लेके मैं आ रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड, चलो इसको मैंने डाल दिया। बॉस, इसको लेके आ रहा हूँ। आराम से लेके आना, ये हमारी तिजोरी की चाबी है, समझा? ओके, मुझे पता है ये तुम्हारे तिजोरी की चाबी है। चलो चलते हैं इसको लेके अनंत ब्रह्मांड। मैंने कहा था ना फ्रैंकलिन, तुम ही मुझे छोड़ोगे। अले जल्दी, आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो? वो लोग फ्रैंकलिन को लेके चले गए, आप देखते रहो, हम लोग जासूसी क्यों कर रहे हैं? स्पाइडरमैन चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे बस देखना चाहता था कि गद्दार कौन है। मुझे फ्रैंकलिन के ऊपर ही शक था। अले लेकिन कहते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन हमें ढूंढते हुए कैसे आ गया? वो ब्लैक मैजिक के अंडे के यहाँ पे, जैसे कि उसको कोई रास्ता पता हो। हल्क को फ्रैंकलिन से नफरत है। हल्क फ्रैंकलिन की कोई गलती नहीं है, वो ब्लू टेल है सबसे मेन विलन। हमें अब विलन का पता चल चुका है। अले तो जल्दी, अब यहाँ पे हम लोग खले क्यों हैं? चलो उनका पीछा करते हैं। वो लोग यहाँ से भाग गए हैं, अब हमें अनंत ब्रह्मांड के लिए निकलना होगा। ब्लैक विडो। ओके, मैंने सारे एवेंजर्स को वहाँ पे बुला लिया है। हमें बाकी मल्टीवर्स के हीरोज को बचाना होगा, जैसे कि एनिमे वर्ल्ड, उसमें नरूटो, सास्के ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है, उसके बाद गोकू, ऐसे बहुत खतरनाक हीरोज है, हमें उन्हें बचाना होगा। अले तो सोच क्या ले हो, चलो जल्दी करो, वो लोग भाग गए। तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? स्पाइडरमैन चिंता मत करो, मैंने उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए उनकी जासूसी की थी। मुझे पता ही था फ्रैंकलिन ही है वो गद्दार, लेकिन ये भी पता था कि फ्रैंकलिन के अंदर जो ब्लू टेल है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ए बापली, अब क्या करे? पीजन तुम चिंता मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे टोनी, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? कैप्टन, हम लोग जा रहे हैं अनंत ब्रह्मांड, उनका सामना करेंगे आमने सामने। हल्क अनंत ब्रह्मांड के इंसानों को छोड़ेगा नहीं। तो चलो चलते हैं। आ रहे हैं हम लोग फ्रैंकलिन। यहाँ पे तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, कोई सोच भी नहीं सकता आगे क्या होगा। वो जाने के लिए आपको पता है क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब करना है और चैनल को 1 मिलियन तक पहुँचाना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और आज हमें पता चला असली विलन फ्रैंकलिन के अंदर छुपा हुआ था, यानी ब्लू टेल। आगे क्या होगा? अनंत ब्रह्मांड कैसा होगा? क्या होगा अनंत ब्रह्मांड के अंदर? कौन से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा एवेंजर्स को? क्या वो अलग अलग मल्टीवर्स के हीरोज को बचा पाएंगे या उसमें फेल हो जाएंगे? उसको जानने के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।